हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि मैं आंसर की बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखो, जिससे आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ और आप ये भी देख पाएँ पूरा कि हम कैसे निकालना है आंसर की, और आप अपने क्वेश्चनों को बाकायदा मिला सकते हैं फेज फर्स्ट से लेके फेज फाइव तक। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे क्लिक कर देना है गाइज। गूगल पे आपको लिखना है NTPC आंसर की, ये देखिए आंसर की 2021। तो इस तरीके का आपको कुछ इंटरफेस होगा। पर गाइज यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, आपको जो ऊपर वाली ये क्वेश्चन पेपर आप देख पा रहे हैं RRB NTPC 12 मार्च 2021 आंसर की विथ क्वेश्चन पेपर अवेलेबल, तो ये क्लिक नहीं करना है गाइज। आपको जो नीचे दिख रहा है RRB NTPC आंसर की 2021 डाउनलोड CEN 2019 मतलब CVT आंसर सीट, तो इस पर क्लिक करना है गाइज। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप स्क्रोल करके जब नीचे की तरफ पहुँचेंगे गाइज, तो आपको कुछ ये अपडेट दिख जाएगी गाइज। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो अपडेट है यहाँ से, ये पूरी अपडेट है, ये आपको पहले पढ़ के बताता हूँ मैं। ये देखिए लेटेस्ट अपडेट, डेट 4/3/2021, क्वेश्चन पेपर आंसर की एंड कैंडिडेट रिस्पॉन्स फर्स्ट स्टेज एग्जाम CVT विल बी अवेलेबल दिस RRB ऑफिशियल वेबसाइट। सो गाइज आप देख रहे हैं ये वेबसाइट पे अवेलेबल हो गई है, यही इसका आंसर की का अदर डिटेल लो। तो ये सब कुछ है, नीचे की तरफ आप आ जाएंगे स्क्रॉल करके तो आपको वेबसाइट मिलेंगी कुछ, उस पर वेबसाइट पे आपको क्लिक करना होगा इस तरीके से। ये देखिए अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं गाइज सीधे ही कि जो क्लिक हेयर टू चेक RRB NTPC आंसर की अवेलेबल सून, मतलब ये बहुत ही जल्दी आने वाली है। पर ये इस पे दिखा रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी निकाल के गाइज। ये दिखा रहा है कि अवेलेबल पता है कौन सी, जिसमें आपको पूरा पक्का पता लगेगा। पर जो अभी आपने क्वेश्चन किए हैं गाइज, वो क्वेश्चन इसी वीडियो में मैं दिखा दूंगा, चाहे आपका फेज फर्स्ट का हो, आप शिफ्ट के हिसाब से उसे देख सकते हैं गाइज, पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। ये तो वो है जो आपके सीधे ऑब्जेक्शन आए उस पर आएगी सरकार की तरफ से, जो आपकी ईमेल आईडी है उस पर आएगा इसका लिंक, ये वो है दिखा रहा है। और उससे पहले मैं आपको जो आप क्वेश्चन पेपर के तहत निकाल सकते हो, ये वो है, यह आप देख पा रहे हैं अवेलेबल सून, ये सब कुछ दिखा रहा है। पर आपको नीचे की तरफ ले चलता हूँ मैं गाइज, और ये देखिए अभी देख पाएंगे आप इसमें आप। तो ये देखिए गाइज, यहाँ पर आपको क्या करना है गाइज, सिंपली इस पर क्लिक कर दे रहा है, ये जो वेबसाइट दिख रही है यहाँ पर डिटेल RRB NTPC रिक्वायरमेंट, इस पर यहाँ पर क्लिक कर देना है गाइज। तो सिंपली मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। अब देखो इसमें जो पेज ओपन होगा कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा गाइज, आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है। अब आप देख पा रहे होंगे गाइज, यहाँ पे काफ़ी सारी जो है ये वेबसाइट दिख पा रहे हैं आप, ये देखिए कितनी वेबसाइट्स हैं यहाँ पर, आपको दिखा देते हैं RRB NTPC लेटेस्ट अपडेट, RRB NTPC डिटेल अप्रूवमेंट, RRB NTPC पोस्ट वाइज वैकेंसीज। तो ये मतलब काफ़ी तरीके की वेबसाइट यहाँ दे रखी हैं इन लोगों ने, पर इनसे हमें कुछ नहीं है। पर हम नीचे की तरफ चलेंगे। अब आया गाइस, अब आपके जो आप करने वाले हैं, जो देखना चाह रहे हैं, वो आ गया आपके सामने गाइस। तो आप ये देखिए RRB अहमदाबाद जहाँ से आपने डाला है गाइस, मैं आपको सीधे क्लियरली बता देता हूँ, जहाँ से आपने फॉर्म फिल किया, जैसे कोई अहमदाबाद से कह रहा है, अजमेर है, अलाहाबाद है, बेंगलोर है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, बिलासपुर है, या चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, काफ़ी स्टेट यहाँ पे दिखाई जा रही हैं और सब पे अवेलेबल ना हो। आप देख पा रहे हैं इधर, जैसे RRB गोरखपुर है तो यहाँ पर अवेलेबल ना हो, RRB गुवाहाटी है तो अवेलेबल ना हो, तो ये जम्मू श्रीनगर है अवेलेबल ना हो, सब पे अवेलेबल है आंसर की। तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो गाइज, अगर आपको समझ नहीं आया हो तो फिर से वीडियो शुरू से देख सकते हो रिकॉप करके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। थैंक यू।